फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 43। हमारे पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है, तो आज हम क्या है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है वो हम पढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है जो कि इलेक्शन लड़ती है और क्या करती है, पावर यानी कि पावर को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट में। अब पॉलिटिकल पार्टी है थ्री कॉम्पोनेंट, इसके तीन कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड दी फॉलोवर्स। फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में लड़ना, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाना और उसको चलाना, रोल एज द अपोजिशन, अपोजिशन की तरह रोल प्ले करना, एंड डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉ, लॉ बनाने के लिए उसमें इम्पॉर्टेंट मतलब कि डिसीजन ले रहा है, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत किस किस लिए है, नीड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको दिखाने के लिए हमें जरूरत है किसकी, पॉलिटिकल पार्टी की, टू परफॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री, हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या जरूरत है हमारी, पॉलिटिकल पार्टी की, फॉर प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर सपोर्टिंग और रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और रिस्ट्रेन करने के लिए, यानी कि उसे गलत काम से रोकने के लिए, फॉर मेकिंग पॉलिसी एंड जस्टिफाई और अपोजिंग दैम, पॉलिसी बनाने के लिए, जस्टिफाइंग करने के लिए और गलत काम को रोकने के लिए। आगे है, एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स देयर नीड सम एजेंडा एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन द वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। जब सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसके जो हमारे डिफरेंट जो हमारे डिस्प्यूट्स है, जो हमारे इशूज है, उसे कौन सॉल्व करे, तो उसे कौन सॉल्व करे, गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। ओके, तो हमारे यही तो हमारे गवर्नमेंट क्या थी, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, तो अब हम आंसर्स करते हैं। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, तो नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव आंसर है, नीड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, फॉर मेकिंग पॉलिसी, जस्टिफाइंग और अपोजिंग दैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को डिफाइन कीजिए, फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या है, to contest election, to form and run election, role as the opposition. Next question पढ़ते हैं, what do you understand by the term political party? Political party से आप क्या समझते हैं, तो इसका answer है, a political party is a group who come together to contest election and the whole power in the government. Political party क्या होती है, वो group है जो कि election करती है और power को hold करती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, राइट सम ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डेट यू सी इन योर एरिया, एक्सप्लेन दिस ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी आपके एरिया में क्या फंक्शन करती है, क्या काम करती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन, प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग कोविड एंड हेल्प इन सैनिटेशन वर्क, यानी कि जो इनके जो अदर फंक्शन है उसके हिसाब से मैंने लिखा है कि उन्होंने हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है और कोविड के टाइम पे अभी उन्होंने क्या किया है, जगह जगह खाना पहुंचाया है और सैनिटाइजेशन में भी हेल्प की है हमारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आएगी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।